तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मजे में? यार मजे में चाहिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स सिस्टर्स। तो मौज लो, रोज लो, ना मिले तो सरदार जी की वीडियो देख लो। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे राइट साइड में आप देख रहे हो, शाने पेप्सू पंजाब रोडवेज की बस चल रही है, PRTC। तो इसका मतलब हम पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। और बड़े दिनों से आपको वेट था कि मैं इस गाड़ी के बारे में ब्लॉग बनाऊं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं पूरा बताऊंगा कि इस गाड़ी को कितने में लिया और ये गाड़ी मैंने क्यों ली और इस गाड़ी की जो एवरेज है दोस्तों, सच बता रहा हूं मैं, 27 की एवरेज दे रही है ये गाड़ी। हाँ, अब आप देख लो, फुल कर दो भैया, चला दो। दोस्तों, आज एवरेज चेक करेंगे अपनी गाड़ी की। दिल्ली से निकलने से पहले हमने इसको फुल करा लिया है और वहाँ पे जाके फिर फुल कराएंगे लुधियाने में। आई थिंक 300 किलोमीटर का सफ़र है हमारा। अब इस टाइम हम हैं पंजाब केसरी के ऑफिस के जस्ट सामने, HP का पेट्रोल पंप है दिल्ली पीतमपुरा के अंदर। और जब भी मैं पंजाब जाता तो यहीं से डीजल पेट्रोल डलवाते हैं। तो भाई, बहुत सुना है इस गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी है, तो आज चेक भी करेंगे। तो अभी देखो, थोड़ा डीजल था इसके अंदर। लो जी, कट मार गया है भैया, और कर रहा है, फुल कर दो इसको। भाई देखो, तुम्हारे लिए बिल्कुल फुल करा रहा हूँ मैं, एकदम भर गया कट। तो दोस्तों चलते हैं, दक्ष भी मेरे साथ है। हेलो दक्ष, शाय करो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आप ये रीडिंग देख लो, 81,677 है। और उसके बाद हम सबसे पहले जो है, ये लो जी, टंकी फुल हो चुकी है और इसको ये इतना दिखा रही है। फिलहाल जो एवरेज है इसको हम रीसेट करेंगे, रीसेट हो गई। और इसको बाद जो है किलोमीटर जो है रीसेट करेंगे। ये लो जी, वाह। तो अब जो है कि अपनी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, अब चलते हैं, हवा पानी चेक कराते हैं। तो दोस्तों, हर 100 किलोमीटर के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देख लो AC, यहाँ से मैंने AC ऑन कर दिया है। और AC बिल्कुल बंद नहीं करूंगा क्योंकि इसका क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC है। तो हम इसको जो है सेट कर लेते हैं 20 पे, ताकि हमें ठंड ना लगे बिल्कुल। तो ये AC चलता रहेगा दोस्तों, और आपको जो है कि हर 100 किलोमीटर पे अपडेट आती रहेगी। और जहां पे रुकेंगे वहां पे पराठे शरोठे चाय वाय वो वाली वीडियो भी आपको मिलेगी। तो चलो दोस्तों, अभी हवा चेक कराते हैं, उसके बाद आगे मिलते हैं आपको जहां हम रुकते हैं 100 किलोमीटर के बाद, सुई देखते हैं कहां तक आती है। तो दोस्तों, जर्नी शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लो जी दोस्तों, स्टार्ट हो गए हम, और 300 किलोमीटर का सफर है हमने जहां जाना है। तो दोस्तों, ये जो गाड़ी ली है मैंने, फोर्ड फिगो एस्पायर, तो इसकी एवरेज चेक करते हैं। मैं तो एवरेज चेक कर चुका हूँ, बहुत अच्छी एवरेज निकल के आती है, बिना AC के 24 की एवरेज देती है। बट अब गर्मी का मौसम है तो अभी हम इसको AC के ऊपर चेक करना चाहते हैं कि ये AC के ऊपर कितनी एवरेज देती है दोस्तों। और इसका मैं आपको चीज एक बता दूं, अभी तो दिल्ली में है तो हम 50 से ऊपर नहीं चलेंगे, बट हम हाईवे के ऊपर भी, मैं आपको भी जब हाईवे पे जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हाईवे के ऊपर भी इसका जो RPM है वो 1800-2000 से ऊपर नहीं जाएगा। और जो स्पीड है वो 80 और 85 के बीच में रहेगी, क्योंकि NH1 के ऊपर जो स्पीड है वो 90 की रहती है, उसके ऊपर चलान आ जाता है क्योंकि कैमरे लगे हैं जगह जगह पे। तो ये ही रहेगा स्पेसिफिकेशन हमारे, इसी स्पेसिफिकेशन के साथ चलेंगे और एवरेज को नोट करेंगे। पानीपत का टोल आ चुका है और गाड़ी भी हमारी 86 किलोमीटर चल चुकी है। दोस्तों फाइनली जो है
100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, हम गाड़ी साइड पे लगा लेते हैं और ये लो जी हमने पार्किंग लाइट ऑन कर दी है। वो भाई साहब पूरी 100 पे लाओ जी, अब कैमरा मुझे दे दो, थैंक यू। तो ये देखो दोस्तों, गाड़ी जो है कि पूरी 100 किलोमीटर चल चुकी है और इसकी एवरेज जो है, ये तो भाई वो दिखा रहा है कि पूरे टैंक में कितनी चलेगी, 25.7 की दोस्तों एवरेज आ रही है इस गाड़ी की। और ये बता रहा है 29 टेम्परेचर और इकोनॉमी मोड जो है कि ऑन है। तो हम दोबारा इस पे आ चुके हैं दोस्तों। लो जी आप पकड़ो कैमरा दक्ष जी। तो दोस्तों और आपको बता दूं, एसी भी चल रहा है, देखो एसी हमने कंटिन्यू चला के रखा हुआ है और अभी गाड़ी हमने कहीं रोकी नहीं है। अभी हम खाना खाने और चाय के लिए गाड़ी रोकेंगे झिलमिल ढाबे पे। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम झिलमिल ढाबे पे और ये पड़ता है करनाल पार करके दोस्तों। और यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ पे 3 सेम वे में ढाबे आपको मिलेंगे और एक होगा नॉनवेज और एक जो है कि ये देखो ये है इनका चाइनीज वगैरह के लिए, फास्ट फूड के लिए, और एक यहाँ पे जो है कि है झिलमिल वैष्णो ढाबा, ये वाला। तीनों ब्रांड दोस्तों एक ही ढाबे के हैं बट तीनों अलग अलग हैं। हम हमेशा रुकते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों हम हमेशा यहाँ पे रुकते हैं झिलमिल जो है वैष्णो ढाबे के ऊपर। सॉरी भाई, ये जो ब्लॉग है थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं यार, अब बस इसी तरह से टाइम नहीं मिलता दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ यार मैं। और अभी हम जो है कि एक शादी पे जा रहे हैं लुधियाना और आज जो है कि अभी हम झिलमिल ढाबा पर रुके हैं। आज जो है कि सूरज देवता भी बिल्कुल प्रसन्न है तो इसलिए मैंने सोचा कि यार एसी के ऊपर जो है कि इसकी एवरेज नापी जाए। तो चलो दोस्तों अब जो है कि अंदर चलते हैं, कुछ खा पी लिया जाए। क्या खाएगा मेरा बच्चा? पापा यहाँ पे तो परोठे मशहूर है, तो परोठी खाते हैं फिर। क्या बात है। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पे, एक परोठा लेते हैं, चाय लेते हैं और फिर आगे वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों ये इनका अंदर का एसी हॉल है और इसके अंदर और भी वहाँ जाके है बट यार मज़ा आता है जो है कि बाहर खाने का ही। तो दोस्तों हम बाहर ही बैठेंगे। हम दोस्तों जब भी पंजाब की तरफ आते हैं तो हम यही रुकते हैं क्योंकि ये जो है कि बिल्कुल आधे में पड़ता है, तकरीबन 150 किलोमीटर पे। तो आज से नहीं यार, बचपन से ही जब हम पापा औरों के साथ भी आते थे तो यहीं रुकते थे, तो हम अभी भी यहीं रुकते हैं। तो ये देखो अभी जो है कि यहाँ पे पिकल मिल चुका है और वाइट बटर आ चुका है, अभी पराठा भी आने वाला है। तो दोस्तों ट्राई करते हैं हम। तो देखो आज तो यार इसकी फीलिंग देखो अंदर से, ये देखो इसमें जो है कि क्या क्या डाला हुआ है देख लो आप। ओ भाई साहब देखो, पनीर, गोभी, पालक सब कुछ दिख रहा है भाई, आलू, प्याज, वाह जी वाह। चलो जी बाइट लो एक और बताओ कैसा लग रहा है। हम तो दोस्तों खाते रहते हैं, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है यहाँ पे जब भी आप आते हैं। और ये लो जी, मस्त जवाब ही नहीं है इसको कोई। तो आफ्टर लंच दोस्तों फिर से हम अपनी गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और जैसे ही मैं अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हूं तो ये पेश है देखो गाड़ी का इंटीरियर, इस तरह से ये कुछ दिखती है हमारी गाड़ी अंदर से। और इसका यार जो स्टीयरिंग का बटन है ना यार, उसको देख देख के मेरा मन बहुत दुखता है, मेरी गलती की वजह से वो टूट गया था। चलो जल्दी लगवा लेंगे उसको, नेक्स्ट सर्विस के अंदर लगवा लेंगे उसको दोस्तों हम। तो दोस्तों क्रॉस कर चुके हैं हम पंजाब का बॉर्डर और अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो लाओ बेटा। और तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो 201 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और 26.3 की एवरेज है इसके हिसाब से और एसी कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों गाड़ी का। तो दोस्तों लुधियाना पहुँचने वाले हैं, 300 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं गाड़ी के और देखते हैं कि इसकी एवरेज आफ्टर 300 किलोमीटर क्या आती है। तो दोस्तों ये देखो आप, और इसको अगर मैं, ये अभी इतनी और चलेगी गाड़ी, ये बता रहा है जैसे 27.1। ओह माय गॉड, ये तो भाई सोचा ही नहीं था यार, मतलब इतनी बढ़िया एवरेज। मतलब मैंने जो पहले आपको बताया था कि विदाउट एसी मैंने 24 की ली थी तो उस पे भी 26-27 आया था बट मुझे एक्सेप्ट नहीं था कि ये एसी के साथ भी, एक्चुअली पहले गाड़ी मैंने 100-120 पे बीच में चलाई थी बीच बीच में, बट आज जो है कि मैं 2000 आरपीएम से
नीचे ही रहा और गाड़ी जो है कि 95 से ऊपर गई नहीं। और अभी आप सुई देख रहे हो पेट्रोल डीजल की, सॉरी, तो कहां पर है। तो बस दोस्तों आप डीजल डलवाते हैं और इसके एक्चुअल एवरेज जो है कि वो भी आपको दिखाते हैं। डीजल डीजल हाँ फुल कर दो भैया, ला दो, दो नंबर पे चलाना, झाग ना बने, जीरो हो गया दोस्तों। देखो यहाँ पे 82 रुपए का डीजल है, चला दो भैया और फुल कर दो। अब देखते हैं कितनी एवरेज देती है गाड़ी। सॉरी भाई रेट गलत हो गया, 84 रुपए 36 पैसे, ये कुछ और है। ये पंजाब का रेट है भाई आज का। ओ लग गया भाई कट, भाई पहला कट लगाया दोस्तों 12.33 पे है ना भाई, ये लीटर ही आ रहे ना, थोड़ा और भर दो भैया, इसको पूरा कर दो अगर 13 तक आ जाता है। बस ओ भाई गिरने लग गया भाई, बस करो भैया रहने दो, बस ठीक है भाई, बिल्कुल फुल हो गया देख लो। और ये आया दोस्तों 13.48, इसमें गाड़ी चली है 307 किलोमीटर। अब हिसाब लगाते हैं बैठ के। तो दोस्तों टंकी फुल हमने करा ली है और इसका निष्कर्ष मैं निकाल चुका हूँ देख लो, 307 किलोमीटर भाग 13.48, इसकी एवरेज आई है एसी के ऊपर 22.77। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे डीजल थोड़ा वेस्ट हो गया था, डीजल थोड़ा निकल गया था, तो ये पूरी जो है कि मेरे को पक्का पता है 23 की एवरेज दी है गाड़ी ने। तो भाई बहुत अच्छी एवरेज है, हाईवे पे मज़ा आ गया और मेरे को तो पूरी तसल्ली है। तो दोस्तों इसलिए ये गाड़ी मैंने ली है कि एक तो इसकी एवरेज बहुत अच्छी है और दूसरे फीचर्स बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे डिक्की रिमोट से खुल जाती है, एसी बहुत जबरदस्त काम करता है और आप अंदर का एम्बियंस देख रहे हो लाइटिंग में कितना खूबसूरत लग रहा है ये हर चीज। और इसका जो स्टीयरिंग है ये देखो, बहुत आप चाहे इसको उंगली से घुमा लो, बहुत सॉफ्ट इसका स्टीयरिंग है। और बिल्ड क्वालिटी तो यार आपको पता ही है फोर्ड वालों की, बिल्ड क्वालिटी तो A1 होती है, तो इसलिए मुझे ये पसंद आई गाड़ी। और दूसरी बात ये जो है कि इसकी रीसेल कम होने की वजह से, क्योंकि ये गाड़ियां शौकीन लोग लेते हैं, तो रीसेल कम होने की वजह से दोस्तों ये गाड़ी डिजायर से सस्ती पड़ गई। तो दोस्तों ये मेरा अपना मतलब मानना है कि अगर किसी ने डिजायर लेनी हो सेकंड हैंड, तो एक बार फोर्ड फिगो एस्पायर अगर किसी के पास कम चली हुई, जैसे मैंने ली थी 75-76 हज़ार चली हुई, तो अगर आपको मिल जाए तो एक बार कंसिडर जरूर करिएगा, जाके देखिएगा जरूर, चलाइएगा जरूर, आपको अगर पसंद आए तो लेना। बट मुझे अपना मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको पसंद आए तो लेना, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है भाई मेरे को तो मजा आ गया ये गाड़ी लेकर के, दिल खुश हो गया दोस्तों। 2017 सितंबर की गाड़ी अगर मैं डिजायर लेता तो 5 लाख प्लस की पड़नी थी, बट ये गाड़ी देख लो टायर भी नहीं डलवा लिए, मैंने इंश्योरेंस भी प्रॉपर करवाई, इसकी सर्विस भी प्रॉपर करवा ली, तो ये गाड़ी तब भी मुझे 3,70,000 रुपए में पड़ी और जो कि अभी 5 साल और चलेगी। और ये बटन तो मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया था दोस्तों, ये बटन मैंने ऑर्डर कर दिया है तो ये मैं लगवा लूंगा। तो दोस्तों आई एम हैप्पी दिस कार। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और आप कह भी रहे थे पाजी आपने कार के बारे में बताया नहीं, देख लो कार के बारे में पूरा अच्छे तरीके से बता दिया है मैंने दोस्तों, तो इसलिए ये कार जो है कि मैंने चूज करी, बहुत ही बेहतरीन एवरेज है दोस्तों, 1.5 इंजन के हिसाब से तो मजा बांध दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सत श्री अकाल।